दोस्तों नमस्कार। भोजपुरी ज्ञान सागर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैंने ये ठान लिया है कि आपको ज्योतिष का ज्ञान, हस्तरेखा का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान, न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है ना, लूसो ग्रेड का ज्ञान, ये हर तरह का जो ज्ञान है जो मैंने कहीं से भी पढ़ करके अर्जित किया है, जितना मेरे पास ज्ञान है वो हम आपको बांटना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन हम करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और आपके पास पहुंचेगा। अगर मैं हस्त रेखा की बात करूं तो महिला का बायां हाथ देखा जाता है और पुरुष का दायां हाथ देखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हाथ में कुछ मुख्य ऐसी रेखाएं हैं जिनको ही देखा जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता है। लेकिन हाँ, हाथ को देख करके सारा जीवन का कहानी, ये हाथ एक ऐसा आईना है जो आपके भविष्य को दिखा देता है कि आपके भविष्य में क्या कर पाएंगे, आप कितना दूर तक जा पाएंगे, सब पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है। बस जरूरत है, अगर कोई विद्वान अगर है तो उसको पढ़ करके आपको बता सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको भाग्य रेखा के बारे में जो 3 4 5 वीडियो जो बनाया था, आज वो संपन्न हुआ। अगर मुझे अच्छा लगा ये मेरा जो बताया हुआ हस्तरेखा ज्ञान, अगर आपको समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा तो हमको भी सपोर्ट कीजिए। मेरा अगला जो वीडियो है इससे भी बेहतरीन बनने वाला है, और वो है जीवन रेखा के बारे में। जो जीवन रेखा होता है वो बचपन से, जब बच्चा जन्म लेता है तब से शुरू हो जाता है उसकी कहानी, और जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसकी कहानी चलती रहती है। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जितने उसके साथ घटनाएं होती हैं, चाहे वो घटनाएं खराब हो चाहे शुभ घटना हो, तो उसके बारे में जीवन रेखा में सब कुछ पता चल जाता है कि कौन सी उम्र में कौन सी घटना होने वाली है। तो इससे डर, थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन थोड़ा हिम्मत करके अगर जानकारी आदमी ले लेता है तो उससे बचने का उपाय भी आदमी कर लेता है। तो इसलिए तो आप बने रहिए और देखते रहिए भोजपुरी ज्ञान सागर, और सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। मेरे पास जितना ज्ञान है हम आपको सब देंगे, और आप अपना हाथ स्वयं देख करके आप स्वयं जान जाएंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा। और ये जो मैं वीडियो आपको छोड़ता हूँ, ये बड़ी बड़ी पुस्तकों को हमको पढ़ना पड़ता है और फिर इधर उधर से ज्ञान एकत्रित करना पड़ता है, तब जा करके मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। तो हम आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो नमस्कार करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।